एक्सेप्ट द सीड। द सेकेंड स्टेप इज डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अगर आप लोग एक्सेप्ट के बटन पे क्लिक नहीं करोगे तो आपका एडमिशन आपके हाथ से गया, यू आर आउट ऑफ दिस काउंसलिंग प्रोसेस का, फिर आपका फीस पेमेंट का। अब लोग पूछेंगे फीस पेमेंट क्यों करूँ अगर मुझे ये कोर्स और कॉलेज नहीं चाहिए। आपको फीस पेमेंट करनी पड़ेगी इस एडमिशन प्रोसेस में बने रहने के लिए, ठीक है। हेलो सीयूटी एस्पिरेंट्स, कॉन्ग्रेचुलेशन, आज आपकी फर्स्ट लिस्ट एलोकेट हो गई है आपको फर्स्ट सीट और कॉलेज। और अगर नहीं भी हुआ है तो वॉच दिस वीडियो, यू विल गेट टू नो एवरीथिंग अबाउट दिस इन दिस वीडियो। बहुत सारी क्वेरीज मेरे पास आना शुरू हो गई हैं कि फ्रीज कैसे करना है, फ्रीज और एग्रेड का ऑप्शन कहाँ पर आएगा, और एक्सेप्ट करनी है या नहीं करनी है सीट, अगर मुझे कॉलेज नहीं पसंद तो मैं एक्सेप्ट क्यों करूँ वगैरह वगैरह। सारे क्वेश्चंस का आंसर मैं आपको इस वीडियो में करने वाली हूँ। सो फर्स्ट थिंग, सबसे पहले आपको आपकी सीट एलोकेट हो गई है, आपको एक कोर्स और एक कॉलेज एलोकेट हो गया है, ठीक है। जिनको नहीं हुआ उनके लिए भी आई विल स्पीक समथिंग, अभी के लिए इतना ध्यान रखो। जिस जिसको सीट एलोकेट हो गई, कॉलेज एलोकेट हो गया, ठीक है। अगर आपको वो कॉलेज चाहिए, अगर आपको वो कॉलेज नहीं चाहिए, स्टिल आपको उस सीट को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, देयर इज नो अदर चॉइस। अगर आप लोग एक्सेप्ट के बटन पे क्लिक नहीं करोगे तो आपका एडमिशन आपके हाथ से गया, यू आर आउट ऑफ दिस काउंसलिंग प्रोसेस का, फिर आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी में इस साल एडमिशन नहीं मिलेगा। इसीलिए पहला स्टेप आपको करना है कि आपको उस सीट को एक्सेप्ट करना है, ओके। फर्स्ट चीज़, आपको कोर्स एंड कॉलेज मिल गया, आपको सबसे पहले एक्सेप्ट करना है। अगर आपने एक्सेप्ट नहीं किया तो आप इस प्रोसेस से बाहर। अगर आप ये सोचोगे कि मुझे तो ये कॉलेज नहीं पसंद, ये कोर्स नहीं पसंद, मैं क्यों एक्सेप्ट करूँ, तो गलत होगा। आप एक्सेप्ट करो पहले, ठीक है। एक्सेप्ट करने के बाद आपके होंगे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई, ओके। सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स कैसे वेरीफाई होंगे, आपको डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाने पड़ेंगे आपका वहीं पर डॉक्यूमेंट, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है फिजिकली, ऑनलाइन ही सब कुछ डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होगा, प्लस आपका वहाँ पे शो होता रहेगा। द मोमेंट यू एक्सेप्टेड आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का ऑप्शन दिख जाएगा, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा किस तरीके से डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होने हैं। उसके बाद आपको वहाँ पे शो हो जाएगा, मतलब दिन बाय दिन आपको शो होगा। जैसे एक दिन आपको शो होगा कि डॉक्यूमेंट्स वेरीफाइड बाय कन्वीनियर, देन आपको शो होगा डॉक्यूमेंट वेरीफाई बाय प्रिंसिपल। इस तरीके से आपका पूरा डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन का प्रोसेस पूरा होगा। नेक्स्ट ऑप्शन जो आपके पास आएगा वो आएगा आपके पास फीस पेमेंट का। अब लोग पूछेंगे फीस पेमेंट क्यों करूँ अगर मुझे ये कोर्स और कॉलेज नहीं चाहिए। आपको फीस पेमेंट करनी पड़ेगी इस एडमिशन प्रोसेस में बने रहने के लिए, ठीक है। फीस पेमेंट क्योंकि मैं लास्ट ईयर मैंने भी सीयूटी दिया है और यही इन्फॉर्मेशन है, हर यूट्यूब चैनल पे आप जाके देख सकते हो, आप वेरीफाई कर सकते हो। आपको फीस पेमेंट करनी पड़ेगी जितने भी उस कोर्स की और उस कॉलेज की फीस है, ओके। अब आप सवाल पूछोगे कि फीस पेमेंट करने के बाद आपके पास ऑप्शन आएगा फ्रीज का और अपग्रेड का, ठीक है। फ्रीज और अपग्रेड क्या है वो भी मैं बता दूँ, लेकिन पहले चीज़ ये देखो, अगर मान लो मेरे को LSR में DLED मिल गया फर्स्ट सीट में, ठीक है, और मैंने फीस पेमेंट उसकी करी है 22,000 रुपये, ठीक है। मैंने अपग्रेड किया और मुझे मिल गया हिंदू में BA प्रोग्राम जिसकी फीस मान लो 12,000 है, तो 22,000 पहले मैंने पे कर दी थी और अब मेरी सेकेंड जो मुझे कॉलेज मिला है उसकी 12,000 फीस है, तो 10,000 मैंने क्या करें एक्स्ट्रा दिए, तो वो 10,000 क्या हो जाएंगे, रिफंड हो जाएंगे, समझ रहे हो। कॉलेज आपस में ही आपकी जो फीस है ना उसको कर देगा, ट्रांसफ़र कर देगा, आपको उसमें कुछ करने का रोल नहीं है। अगर 22,000 फीस मैंने पहले पे कर दी थी और अब उसकी फीस 12,000 है, 10,000 मेरे पास अपने आप वापस आ जाएंगे, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। वेरैस अगर मेरी कॉलेज की फीस मैंने मान लो 12,000 रुपये दी है और अब नेक्स्ट कॉलेज की फीस 22,000, 10,000 आपको एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, बाकी के 12,000 जो है वो ट्रांसफ़र हो जाएंगे, समझ आया। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, फीस आपको पहले पेमेंट करनी ही करनी पड़ेगी ताकि आप इस प्रोसेस में बने रहो, ओके। फीस पेमेंट करने के बाद ऑप्शन आएगा फ्रीज का अपग्रेड का। मैं जल्दी जल्दी इसलिए बता रही हूँ ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो, आई नो आपको वो प्रोसेस पूरा करना है। फ्रीज और अपग्रेड क्या होता है देखो, अगर मान लो मुझे BLED मिल गया LSR में और मैं खुश हूँ भाई कि मुझे यही कॉलेज चाहिए, तो आप उसको फ्रीज़ कर दो, आपकी सीट पक्की हो गई वो, कि अब तो वो आपकी है। लेकिन अगर आपको फिर भी विड्रॉ करना है बाद में, तो आपको विड्रॉ करना पड़ेगा और आई थिंक 1,000 माइनस होकर आपकी फीस आपके पास वापस आ जाती है, ओके। अगर आपको अपग्रेड करना है सीट, द मोमेंट यू अपग्रेड पे आप क्लिक करते हो ना, आपकी सीट नहीं जाती। लोग कहते हैं अपग्रेड करने पे क्या मेरी सीट चल जाएगी, नो आपकी सीट कहीं नहीं जाएगी। अपग्रेड करने के बाद द मोमेंट यू क्लिक अपग्रेड, तो मान लो आपको LSR मिल गया BLED में, तो उसके ऊपर के कॉलेजेस मिलने की आपको संभावनाएं बढ़ जाती है, संभावनाएं हो जाती है कि आपको ऊपर कॉलेज मिल सकता है, ठीक है। नीचे का कॉलेज आपको नहीं मिलेगा, जो भी कॉलेज आपको मिला है अगर आप अपग्रेड पे क्लिक करते हो तो आपको ऊपर के कॉलेजेस मिलने की संभावनाएं हैं। और ऐसा भी नहीं हो सकता कि अपग्रेड हो ही हो, और ऐसा भी नहीं हो सकता कि अपग्रेड ना हो, दोनों पॉसिबिलिटीज होती है। फ्रीज का मतलब आपने उस सीट को लॉक कर दिया, अब वो सीट आपकी अपनी है। अपग्रेड का मतलब हो गया वो सीट अभी भी आपकी है, लेकिन आप अपग्रेड के लिए क्लिक कर रहे हो, ठीक है। LSR में BLED मुझे मिल गया है, लेकिन मुझे LSR में BLED नहीं चाहिए, मुझे मान लो
गार्गी में चाहिए और गार्गी मैंने ऊपर डाला तो मैं अपग्रेड पे क्लिक कर दूंगी। जो भी आपको कोर्स और कॉलेज मिला है उसके ऊपर में जितने भी आपने कोर्स और कॉलेज भरे होंगे प्रेफरेंस लिस्ट में वो आपको मिल सकते हैं सेकंड राउंड में अगर आप अपग्रेड पे क्लिक करते हो। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है क्या अपग्रेड हो ही जाता है? नो, नॉट पॉसिबल। लास्ट ईयर कितनी बार ऐसा हुआ है कि अगर आपको फर्स्ट लिस्ट में जो कॉलेज और कोर्स मिल गया है वही कोर्स और कॉलेज आपको सेकेंड राउंड में भी मिला, थर्ड राउंड में भी मिला। अंडरस्टूड आई यू गाइस अंडरस्टैंडिंग? तो मेरे साथ भी लास्ट ईयर ये हुआ था, मुझे पहले लिस्ट में जो कोर्स और कॉलेज मिल गया था मुझे वही कोर्स और कॉलेज सेकेंड लिस्ट में भी मिला और सेकेंड लिस्ट में मैंने अपग्रेड पे क्लिक किया था और सेकेंड लिस्ट में भी मुझे वही और कोर्स और कॉलेज मिला था और तब मैंने अपनी सीट को फ्रीज कर दिया था। ओके, सो दैट्स द थिंग। तो अगर और ये क्वेश्चन अराइज होता है कि अगर मैंने अपग्रेड कर दिया तो क्या मेरी पहली सीट चली जाएगी? नहीं जाएगी। जब तक आपको दूसरा कॉलेज नहीं मिलता है, दूसरा कोर्स नहीं मिलता, तब तक आपकी जो पहली सीट है ना वो आपके पास एकदम बचाकर है, आपकी प्रिजर्व है, वो सीट आपकी है। वो सीट द मोमेंट आपने अपग्रेड किया और आपको दूसरा कॉलेज और दूसरा कोर्स मिल गया तब आपकी पहली सीट चल जाएगी किसी और को। अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे? ओके, द फर्स्ट स्टेप इज टू एक्सेप्ट द सीट, द सेकंड स्टेप इज डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, द थर्ड स्टेप इज फीस पेमेंट, फोर्थ ऑप्शन इज फ्रीज और अपग्रेड। फ्रीज और अपग्रेड का ऑप्शन आपको समझ में आया? अपग्रेड का मतलब करने का क्या हो गया कि अपग्रेड पे आप क्लिक करते हो तो आपको जो भी कोर्स और कॉलेज का कॉम्बिनेशन मिला है उसके ऊपर जितने भी आपने प्रेफरेंस लिस्ट में कोर्स और कॉलेज भरे होंगे वो मिलने की संभावना है, उसके नीचे जितने भी कोर्स कॉलेज भरे वो सब आउट, वो नहीं मिल सकते। अब मान लो मैंने हिंदू भरा, उसके नीचे हंसराज मिला है, मुझे हिंदू मिल गया, अब हंसराज नहीं मिलेगा, अब हिंदू के ऊपर के कॉलेजेस और कोर्स ही मिलेंगे, चाहे वो एवरेज कॉलेज है चाहे वो टॉप कॉलेज है। ठीक है, फ्रीज और अपग्रेड का आपका ऑप्शन मिल गया। फ्रीज और अपग्रेड ऑप्शन आपको मिलने से पहले आपके फीस पेमेंट के बाद ना एक PDF आएगी, मतलब एक दिल्ली यूनिवर्सिटी ना एक लिस्ट निकालता है कि कितनी सीट्स कौन से कॉलेज में, कौन सी कैटेगरी में, कौन से कोर्स में बच गई है। फॉर एग्जाम्पल मान लो फीस पेमेंट हो गई, उसके बाद ना दिल्ली यूनिवर्सिटी एक वो निकालता है कि कितने लोगों को एलोकेट हो गया हो, कितनों को एलोकेट नहीं हुआ। मान लो जनरल कैटेगरी है, BA प्रोग्राम है, तो उसमें हिंदू में कितनी सीट्स बची है, UR में कितनी सीट बची है, SC में कितनी, ST में, तो उसके हिसाब से लोग प्रेफरेंस लिस्ट को ऊपर नीचे करते हैं। मेरा मानना यही रहेगा प्रेफरेंस लिस्ट को ऊपर नीचे मत करो, वो लिस्ट आएगी ना उसके बाद आपको प्रेफरेंस लिस्ट को रीअरेंज करने का मौका दोबारा से मिलेगा, लेकिन मत करना। मतलब लोग ऐसा मानते हैं कि अरे यार मिरांडा में तो जनरल के लिए सीट ही नहीं है, LSR को ऊपर कर देती हूँ, कोई फ़ायदा नहीं है। मिरांडा में सीट नहीं कट हो जाएगा, आपको LSR ऐसे ही मिल जाएगा, उसको ऊपर नीचे करने की क्या ज़रूरत है? आप अगर उसको ऊपर नीचे कर दोगे तो और आप मिरांडा पाने की संभावनाएं खो रहे हो अगर सीट मिल गई होगी। ठीक है, लास्ट ईयर क्या हुआ था, हमें फर्स्ट एलोकेशन में सारी सीट्स मिल गई थी, जब फिर वो आया ना क्या बोलते हैं उसको PDF आया जिसमें मैंने देखा कि कौन कौन सी सीट है किस किस के लिए, मैंने देखा भाई जनरल कैटेगरी की तो सब में 0-0 सीट हो गई, अब तो सीट ही नहीं है। तो फिर भी मैंने अपग्रेड किया, फिर भी मुझे देखो LSR मिल गया, BA मिला, दोबारा से अपग्रेड करने मुझे सेकंड लिस्ट में भी वही मिल गया, तो मैंने फ्रीज़ कर लिया कि भाई अब कोई फ़ायदा नहीं अपग्रेड करने का, फ्रीज़ कर लो। ठीक है, तो प्रेफरेंस लिस्ट को रीऑर्डर करने का मौका मिलेगा आपको, तो आप कर सकते हो, लेकिन मेरा मानना रहेगा मत करो। ठीक है, अपग्रेड कर दिया तो ऊपर के कॉलेजेस मिलने का आपको चांसेस है, मैंने सब कुछ लिख रखा है ताकि मैं आपको बता पाऊँ, तो ऊपर के कॉलेजेस आपको मिलने से चांसेस हैं। 100% चांसेस कभी नहीं होते, मिल भी सकता है नहीं भी मिल सकता है, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं मिलेगा और ऐसा भी नहीं है कि मतलब कि मिल ही जाएगा। माई फ्रेंड रिया शी गॉट पहले में उसको गार्गी मिला, फिर उसने अपग्रेड किया, फिर उसको LSR मिला, तो LSR में उसने फ्रीज कर दिया था, तो अपग्रेड होता है। ठीक है, अपग्रेड होकर अगर आपको मान लो मतलब नहीं अपग्रेड नहीं हुआ, अपग्रेड ना होने का मतलब ऐसा हो जाएगा कि अपग्रेड पे क्लिक कर दिया ना और अगर कहीं सीट नहीं है तो आपको वही कोर्स और कॉलेज दोबारा अलॉट हो जाएगा कि भाई यहीं पर है, वहाँ पर आपकी सीट कंफर्म है। ठीक है, अगर आपको अपग्रेड होकर अगर आपको लगता है कि मेरी वाली सीट गई तो नहीं गई भाई, अगर आपको सेकंड लिस्ट में कोई कोर्स नहीं मिलता ना तो वही आप वो वाली सीट और कोर्स कॉलेज आपके पास अभी भी है, तो आप कर सकते हो उस चीज़ को। उसके बाद अगर ये डाउट है कि फ़ीस ट्रांसफ़र किस तरीके से होती है, तो अगर मैंने वो बता ही दिया पहले से कि अगर फ़ीस अगर आपको ट्रांसफ़र करनी है तो फर्स्ट में अगर आपकी 22,000 फ़ीस चली गई, सेकंड में आपको 12,000 मांग रहे हो तो आपको 10,000 वैसे ही वापस में आ जाएंगे, और अगर एडवांस फ़ीस पे करनी पड़ेगी, मान लो अगर आपने 10,000 पे किए BA प्रोग्राम के और आपको सेकेंड राउंड में इंग्लिश ऑनर्स मिल गया तो आपकी ही फ़ीस ज़्यादा हो गई, आपको 20,000 भरने पड़ेंगे, तो आपको और 10,000 पेमेंट करनी पड़ेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लो मुझे कोर्स मिला इंग्लिश ऑनर्स हंसराज में जहाँ की फ़ीस 20,000 है, मेरे को अपग्रेड होकर स्टीफेंस में इंग्लिश ऑनर्स मिल गया जहाँ की फ़ीस 30,000 है, तो मैंने 20,000 भरे हैं, जो मुझे अपग्रेड होकर मिल गया उसमें 30,000 है, तो 10,000 एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे ना उस कॉलेज की फ़ीस, 10,000 20,000 तो ट्रांसफर हो जाएंगे, 10,000 आपको अपनी मर्ज़ी से आपको अपने मतलब एडवांस पेमेंट देनी पड़ेगी और जो रेस्ट पेमेंट है वो आपको देना पड़ेगा। और अगर मान लो मुझे
मैंने LSR मिल गया मुझे अपग्रेड, मतलब LSR मेरे को मिल गया पहले पहले उसमें, जिसमें 30,000 फीस बढ़ गई किसी कोर्स की। सेकेंड लिस्ट में मुझे मिल जाए अदिति महाविद्यालय जहाँ की फीस 10,000 है, तो 20,000 मेरे फालतू गए ना, तो वो मेरे पास वापस आ जाएंगे। अंडरस्टूड ये फीस का जो कॉन्सेप्ट है। उसके बाद टू द वन जिनको कोई भी सीट एलोकेट नहीं हुई, द वन थिंग दैट आई वॉन्ट टू टेल यू इज जो ही रीजन्स हो सकते हैं, क्योंकि ना पहली चीज़ आपने प्रेफरेंस लिस्ट अच्छी तरीके से नहीं बनाई, आपने प्रेफरेंस लिस्ट को अच्छी तरीके से ऑर्डर नहीं किया, तभी आपको लिस्ट नहीं मिली। शायद आपने बहुत लिमिटेड कोर्स और कॉलेजेस को डाल दिया और आपको फिर कोई भी नहीं मिला, ठीक है। क्योंकि मतलब अगर आपने बहुत सारे प्रेफरेंसेस और बहुत सारे कॉलेजेस, मैंने अपनी हर वीडियो में ये चीज़ बताई है जहाँ मैंने प्रेफरेंस लिस्ट का जिक्र किया है कि सारे कॉलेजेस सारे कोर्सेज चाहे वो डिमांडिंग है चाहे वो नहीं है भर दो, बिकॉज बेशक आपको हिंदी ऑनर्स दिखे ना किसी कॉलेज में वो अच्छा है, रैदर देन दिखे कि नो सीट एलोकेटेड, दैट यू नो दैट इज़ मोर पेनफुल टू सी। तो प्रेफरेंस लिस्ट आपने अच्छे से नहीं बनाई। सेकेंड थिंग, या तो फिर आपने बड़ी लिमिटेड प्रेफरेंस लिस्ट रखी कि भाई मैंने 4 कोर्स रखे, 5 कोर्स रखे, 10, 20, 30, 40, 50 रखे, एटलीस्ट 100 तो रखने चाहिए थे। दूसरी बात, या तो आपने काफ़ी हाई डिमांडिंग कोर्सेज एंड कॉलेजेस भर दिए हैं और उसमें आपका स्कोर मैच नहीं हो रहा, यही दो रीजंस हो सकते हैं आपको कोई भी कॉलेज अलाउड ना होने के। सो यू गाइज नीड टू वेट फॉर द सेकेंड लिस्ट, आई गेस शायद कोई कॉलेजेस मिल जाए, स्पॉट राउंड तक जाओ, मिल सकता है, उस सब पे मैं वीडियोस बनाऊंगी। आपको मैंने बता दिया है कि कैसे कैसे प्रोसेस करना है टू फ्रीज और अपग्रेड योर सीट। फ्रीज करने का मतलब हो गया आपको वो कॉलेज मिल गया, कोर्स मिल गया। अपग्रेड करने का मिल गया मतलब आपको उसके ऊपर के कॉलेजेस जो आपको मिला है उसके ऊपर के कॉलेजेस एंड कोर्स मिलने की संभावनाएँ हैं, और ऐसा नहीं कि मिल ही जाएगा और ऐसा भी नहीं मिलेगा, मिल भी सकता है नहीं भी मिल सकता है। एंड कोई भी डाउट हो इस रिलेटेड तो यू कैन आस्क मी इन द कॉमेंट सेक्शन, आई एम गोना रिप्लाई यू गाइज ओवर देयर। एंड कॉन्ग्रेचुलेशन जिनको कॉलेज मिला, एंड बेटर लक नेक्स्ट टाइम जिनको नहीं मिला, डो नॉट लूज होप, अभी भी टाइम है, अभी भी वक्त है, अभी भी मौका है, होप रखो। ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं मिलेगा और ऐसा भी नहीं है कि मिलेगा, बट लास्ट ईयर भी जिनको नो सीट एलोकेटेड था उनको भी काफ़ी कॉलेजेस एंड कोर्सेज मिले थे, तो डोंट जस्ट लूज होप, एवरीथिंग विल वर्क आउट। आई नो हाउ इट फील्स, बट स्टिल ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट एवरी वन, एंड बाय। यू कैन आस्क योर डाउट्स इन द कॉमेंट सेक्शन।